तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं यहाँ पर आज का BTST। यहाँ पर कल का क्या प्लानिंग रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल हो चुके हैं एंड दैट्स द रियलिटी। मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई नहीं लगाते, वो कहीं ना कहीं करेक्शन ज़रूर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि करेक्शन इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा था। आज यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग में था कि भाई एक तो था कि भाई HDFC बैंक है जो हमारे रेडार पर यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन उसके बाद आप ये देखोगे Nifty 50 फॉर अ शार्प रिकवरी, और हमारा जो पिक था यहां पर था, ठीक है, कौन सा था, 21,300 हमारा पिक था। उसके बाद अगर यहां पे देखोगे मार्केट कहां तक गया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशंस क्या थी यहां पे आज के डेट में, क्या ये जो इकलौता कॉल है ऐसा, कैन दिस सिंगल कॉल मेक अवर डे, ये हमारा, तो आपको क्या है, आपका जब स्टडी एकदम स्ट्रांग होता है ये सारी चीजें होती है तो आप ये देख सकते हो कि फिर वो हमारा कहां तक गया था कि भाई 200 तक भी यहां पर गया था। तो जिसने जितना लूटा है तो वो मुझे नीचे कमेंट पर बता देना, एंड मेक श्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहते हैं वो टेलीग्राम पे रहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक कहां पर है नीचे कमेंट बॉक्स पे भी है। अब यहां पे बात कर लेते हैं आगे का दिन का। अब ऑब्वियसली बात है कि मार्केट यहां पे बहुत ज्यादा गिर चुका है। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहां पे डेटा थोड़े से स्लाइड क्या हो रहे हैं कि थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि लोग एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर 45,400 के नीचे अगर इस बार आता है तो मार्केट इस बार काफी और अच्छा एक 500 पॉइंट्स का करेक्शन दे सकता है। लेकिन यूजुअली एक्सपीरियंस किसे कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई मार्केट यहां पे फॉल हुआ, मार्केट आज इसको रिटेस्ट करने गया और इसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या हुआ, रिजेक्शन आया। तो मतलब अगर मार्केट को बाउंस करना है तो मार्केट को यहां पर होल्ड करना पड़ेगा, मतलब कल का परसों का, मतलब एक या दो दिन मार्केट क्या है थोड़ा फ्लैट टू साइडवेज जा सकता है क्योंकि कंसोलिडेट करना है। और लेकिन अगर इसके नीचे जस्ट ब्रेक होता है तो हमें एक अनदर फॉल देखने मिल जाएगा। तो रही बात क्या BTST में क्या पिक आएगा, तो वहां पर यह भी एकदम डिस्कशन कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मैं आप लोगों को एक पैटर्न भी यहां पर बता देता हूं। एक पैटर्न यहां पर कौन सा बन रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और अच्छा सा पैटर्न दिख जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि उस हिसाब से हमारा BTST तैयार होगा आज। ये पैटर्न कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। लेट्स चेक द नॉलेज ऑफ अवर इक्विटी किंग सब्सक्राइबर। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को, अगर ये ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, मतलब 45,700 के ऊपर आता है, तो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि प्रीमियम काफ़ी हाई चल रहे हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो ही हमारा व्यू क्या है पॉजिटिव होगा, तो हम लोग क्या है 46 दूर का लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है। तो 46,200 ये सारी चीज़ें क्या है मेरे यहां पर रेडार पे रहेंगी, लेकिन इन केस ओनली जब मार्केट ये ऊपर जो ट्रेंड लाइन है बना देना वो ब्रेक करेगा। अगर यहां पे 45,400 ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर क्या है एक और अनदर 400-500 पॉइंट्स का यहां पे फॉल होगा। मेरे हिसाब से यहां पे मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है मार्केट को यहां पे कंसोलिडेट करना चाहिए एक और बार रीटेस्टिंग देने के लिए। रही बात निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 ने भी यहां पे एक पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन आ रही है। जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब 21,600 के ऊपर नहीं निकलेगा, मार्केट यहां पे थोड़ा सा बियरिश साइन तो ऑब्वियसली है ही है। तो अब इसके नीचे क्या है, यहाँ पे 21,250 के नीचे अगर जिस दिन यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें वापस से 21,000 मतलब 300 पॉइंट्स का फॉल हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है अगेन फ्लैट टू साइडवेज, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा चाहिए, तो जिस भी साइड वो रैली देगा उसको वहाँ पर होल्ड करके निकलना चाहिए। यहाँ पे ये जो पैटर्न पर्टिकुलरली बना रहा है ये भी एक कौन सा पैटर्न है मुझे नीचे कमेंट में बता देना। अगर इसके ऊपर निकलता है तो, लेकिन मेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो 21,500 के ऊपर आएगा तो ही यहाँ पर पॉजिटिव होगा, नहीं तो मार्केट में ये जो आज हमने यहां से जो पर्टिकुलर रैली पकड़ी थी, जो निफ्टी 50 की हमने बात की इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो है 21,350। अगर 350 के नीचे आता है तो इट्स अ बियरिश साइन, क्योंकि मार्केट रेंज है फ्लैट टू साइडवेज जाने का कल का और परसों का यहां पे हमारा एक्सपेक्टेशंस है। बट यहां पे कैपिटल थोड़ा सा बचा के रखिए क्योंकि बजट आ रहा है, और बजट आ रहा है तो बजट में मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्ट्रैटेजी लेके आ जाऊंगा। तो और उसके लिए तो मेक श्योर तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं जिन लोगों को BTST की स्ट्रैटेजी चाहिए, एंड यहाँ पे लेट्स टारगेट 58 सब्सक्राइबर एंड लेट्स कंप्लीट 91,000 इक्विटी किंग फैमिली। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे यहाँ पे अपडेट दे ही देता हूँ। तो फ्लैट टू साइडवेज का यहाँ पर है, बट व्यू याद रखना प्रीमियम महंगे चल रहे हैं, डीके नहीं हो रहे हैं, तो उस चीज़ का यहाँ पे कॉशियस साइन रहना। तो थोड़ा एक दो दिन बड़ा बड़ा गैप डाउन मिल गया, साइडवेज जा सकता है। तो ये है आज का, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू।